हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, तो टॉपिक हमारा यही रहने वाला है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या कुछ है उनकी फीलिंग्स, क्या कुछ है उनके इमोशंस, है ना। तो रीडिंग का टॉपिक हमारा लगभग लगभग क्या यही रहने ही वाला है, क्योंकि हम जो है हमेशा फर्स्ट रीडिंग जो है टैरो कार्ड रीडिंग की हम करंट फीलिंग्स को लेकर के ही देखते हैं। सो आज भी जो है हम करंट फीलिंग्स को लेकर के ही देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या हैं उनकी फीलिंग्स, क्या हैं उनके इमोशंस, क्या कुछ हैं उनकी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही देखने वाली हूँ। चलिए देखेंगे हम, और साथ ही देखेंगे फ्यूचर भी। ठीक है, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर भी देखेंगे हम, बट सबसे पहले हम फीलिंग्स देखेंगे। ओके, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके बुकिंग को कन्फर्म करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही होगी, सो उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। चलिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या कुछ हैं, क्या कुछ उनकी एनर्जीज मुझे बता रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे ऐसी नज़र आ रही है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एकदम दिख रहा है, जैसे कि एकदम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। ठीक है, यहाँ पे इनकी लाइफ में या तो कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, कोई तीसरा पर्सन है अवेलेबल इनकी ज़िंदगी में, जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहा है या डिसीज़न नहीं लेने दे रहा है। ठीक है, आपके पर्सन को क्लियर होने नहीं दे रहा है, एक पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं आने दे रहा है इस रिलेशनशिप में कि इस पर्सन को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। पूरी एक जो क्लियरिटी होती है ना, वो इस पर्सन को होने ही नहीं दिया जा रहा है, क्लियर होने ही नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे ये पर्सन को। इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, यहाँ पे ये पर्सन डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, उदास, परेशान, काफ़ी ज़्यादा स्टक है ना। मुझे यहाँ की एनर्जी ये दिख रही है, काफ़ी मुझे मेंटली काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन। ठीक है, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन का साइन हो सकता है, मैजिशियन साहब है। सो ये एनर्जी जो है ना मैजिशियन की, मैजिशियन मतलब कि इनके पास हर एक चीज़ है, इसलिए मैं इनको साहब बोलती हूँ। ठीक है, मैजिशियन साहब। आपने मेरी रीडिंग में कई बार देखा हो कि मैं मैजिशियन साहब ही बोलती हूँ मैं। ठीक है, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, द फूल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हेड द लवर्स। ओके, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे जहाँ तक दिख रहा है आपके कार्ड्स में, देखो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। 100% थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रही है, कोई फीमेल पर्सन है या कोई मेल पर्सन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है, काफ़ी ज़्यादा अपना माइंड लगाता है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, अपने माइंड से चलता है। ठीक, यहाँ की एनर्जी ये बता रही है जैसे कि अपने माइंड से चलता है वो पर्सन, और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि माइंड से चल करके, एक होता ना कि हाँ
क्लैरिटी आना, ठीक है, तो वो एनर्जी जो है ना यहाँ पे मिस हो रही है। यानी कि आपके पर्सन को कभी क्लियर नहीं होने दिया जाता है कि हाँ तुमको ये डिसीज़न लेना चाहिए या तुमको वो डिसीज़न लेना चाहिए। इनको बस मैनिपुलेट किया जाता है कि देखो तुम्हारे लिए वो बेटर नहीं है, तुम्हारे लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो तुमको क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तुम बेकार की उन सारी चीज़ों में पड़े हुए हो, उन सारी चीज़ों में फंसे हुए हो, तो तुम उनमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये पर्सन को ऐसा बार बार कहा जाता है, ऐसा बार बार फील करवाया जाता है ये पर्सन को। और ये पर्सन इसी एनर्जी में यहाँ पे दिख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एकदम से दिखता है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी उदास है, काफ़ी परेशान है, मेंटली काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इनकी फीलिंग्स ऐसी दिख रही है जैसे कि ये पर्सन रोते हुए से नज़र आ रहे हैं, एकदम से रोते हुए से ये पर्सन नज़र आ रहे हैं, रो रहे हैं ये पर्सन, दिल ही दिल में एक जो होता ना कि रोना, और ऐसा रोना जो कि कभी कोई सुन ही ना पाए, अकेलेपन में रोना और अकेलेपन में ही अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस के साथ बातें करना, यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है, या ये कहें तो ये पर्सन टोटली ठीक है किसी और के कारण से, टोटली किसी और की बातों में आकर के ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा उदास उदास परेशान परेशान नज़र आ रहे हैं, ठीक मुझे ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको लेकर के कहीं ना कहीं ये एक एक जो होती है ना कि एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, मैं इनको ये देख पा रही हूँ द लवर्स की एनर्जी के अनुसार से ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार, यहाँ पे इनकी एनर्जी ये दिख रही है कि प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, और इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे कि मुझे क्या करना है, क्या डिसीज़न लेना है। यहाँ पे ये पर्सन को कंफ्यूजन हो रही है, कहीं ना कहीं ये पर्सन कर्मा पे डिपेंड है, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरा कर्मा होगा मेरी ज़िंदगी में, अगर मेरा पर्सन लिखा है तो मुझे मिलेगा, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि हाँ सब कुछ मैं अपने कर्मा पे सौंपता हूँ, जो होगा सो हम देख लेंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन टोटली आपको लेकर के तो पॉजिटिव हैं ही, लेकिन यहाँ पे टोटली ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा एकदम से उदास दिख रहे हैं, एकदम से मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं, एकदम ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि नहीं मेरे बस की ये नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं हर एक चीज़ को जो है ना नोटिस करके चलूँ, ठीक है, या हर एक चीज़ को मैं संभाल के चलूँ। यहाँ पे ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना अब टूट रहे हैं, यहाँ पे ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, एक एक जो होता है ना कि हाँ चलो ठीक है पुरानी यादें हैं पुरानी बातें हैं ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को इस तरीके से पा रहे हैं कि नहीं मुझे जो है ना इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, मुझे जो है ना अपने पर्सन से बात करना चाहिए, उससे बात करके सारे मामले को समझना चाहिए, तब जाके जो है ना एक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, ठीक। तो यहाँ पे किसी की ये पर्सन हेल्प भी लेने के बारे में सोच रहे हैं, इनका कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि इनकी हेल्प करे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में कोई हेल्प कर सके, कुछ ऐसी हेल्प कर सके जो कि काफ़ी अच्छी हेल्प हो सकती है, ठीक है। ये पर्सन के है ऐसा कि हाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मेरी कोई हेल्प कर सकता है। 10 of Cups की एनर्जी के अनुसार से अपनी फैमिली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है ये पर्सन, फैमिली में मुझे लगता है कि इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली की वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा बहुत मुझे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से नज़र आ रही है कि हाँ फैमिली की वजह से ही ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये पर्सन काफ़ी उदास है, काफ़ी परेशान है, मुझे यहाँ पे तो यही दिख रहा है। देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ठीक है, फ्यूचर में जो है क्या कुछ हो सकता है, ठीक, तो देख लेते हैं। प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। देखते हैं ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, बॉटम ऑफ द डेक,
ट्रूथ बी टोल्ड, एकदम से दिख रहा है कि अब सारी चीज़ें सामने आने वाली है फ्यूचर में। ठीक है, कार्ड्स की एनर्जी यही बता रही है कि क्लियर है कि आपके पर्सन के सामने सारी चीज़ें आने वाली हैं, सारी की सारी। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पर्सन एकदम से टोटली एकदम से ये पर्सन सीरियस हैं, सीरियस हो करके ये आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे ही आएंगे। यहाँ की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है, सीरियसली ये पर्सन आपके साथ वर्क करने को तैयार हैं, ये पर्सन आपके साथ, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेकअप नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, ये रिलेशनशिप नहीं ख़त्म करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि धीरे 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 करके जो है ना मैं आगे बढ़ूँ अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है पास्ट में इनके साथ बहुत कुछ ऐसा हो चुका है या इनका एक्सपीरियंस ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब अपने फ्यूचर को बनाने का वक्त आ चुका है। अपनी एनर्जीज या फिर अपनी फीलिंग्स को कब तक कोई इग्नोर करे, तो अब जो है ये पर्सन एक नए फेज़ में अपने पास्ट को छोड़ करके यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर में ये पर्सन जो है ना आगे बढ़ने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने प्रेजेंट को बनाते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि अगेन यहाँ पे राउंड एंड राउंड का कार्ड है, एकदम से ये पर्सन का कर्मा है, ये पर्सन को पता है कि ये जो सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं मेरा कर्मा ही है और मेरी ज़िंदगी में मेरा कर्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे वही है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने के बारे में टोटली ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन का ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर के, देखो एकदम ये पर्सन का फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है आपके साथ, फ्यूचर में ये पर्सन जो है ना आपको लेकर के, वाव, लॉयल हार्ट का कार्ड है, एकदम से न्यू बिगिनिंग करेंगे ही करेंगे, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ यादें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जिनको तोड़ना पड़ेगा, जिनको छोड़ना पड़ेगा, जिनको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी एनर्जीज के साथ इग्नोरेंस मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे दिख रहा है कि चेंजेस आने स्टार्ट होंगे, यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन बनेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो आप फ्यूचर के बारे में इस पर्सन के साथ सोच सकते हो, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार से। सो ये है आपकी रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।